ये कहानी है एक खरगोश की। खरगोश अपने घर से सुबह उठकर बाहर निकलता है, बाहर आकर फूलों के साथ लेता है, उसके एक फ्रेंड तितली के साथ खेलता है। खरगोश के साथ रहने वाले चूहा और गिरहली उसको परेशान करते, एक बार उन्होंने हद ही कर दी। एक बार तो उसके दोस्त तितली के पंख ही निकाले और उसके पंखों के साथ खेलने लगे। खरगोश को बहुत बुरा लगता है। खरगोश उनको सबक सिखाने का सोचता है, वो लकड़ी काट के उसको धारदार एरो बना देता है। सबक सिखाने की पूरी तैयारी करता है, एरो को नीचे गाड़ कर उसके ऊपर पत्तों पानों को डालता है। सबक सिखाने के दिन तीनों मस्ती करने चलते है, वही ऊपर खरगोश देख रहा होता है। वो अपने धनुष से तीर छोड़ता है, उनके पीछे से बड़ा लकड़ी छोड़ता है, चोक लकड़ी उठा के दूर फेंकता है। अब गिलहरी की बारी आती है, गिलहरी हवा में छलांग लगाती है, वैसे ही नीचे आने की कोशिश करती है, नीचे एरो सीधे होते हैं, तभी उसे खरगोश बचाता है। और तीनों को समझ में आया खरगोश से पंगा लेना गलत बात है, बाद में सभी मिलजुल कर रहते हैं।